प्रीवियस में जो है हम लोगों ने ये लाइट के बारे में पढ़ा है, शैडो के बारे में पढ़ा, ठीक। अब इस क्लास में जो है हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ऑल डे लॉन्ग वी हेयर डिफरेंट साउंड्स लाइक बार्किंग ऑफ डॉग्स, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, पीपल टॉकिंग, रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन, आर डोर बेल्स, रेडियोज, टेलीविजन्स एंड लाउड स्पीकर्स। पूरे दिन जो है हम लोग जो है अलग अलग टाइप की साउंड सुनते रहते हैं, जैसे कि डॉग बार्किंग मीन्स कुत्ते का भौंकना, है ना। बर्ड्स चिरपिंग मीन्स चिड़ियों का चहचहाना, चिड़िया जैसे आवाज़ निकालती है ना, उनको बोलते हैं चिरपिंग। पीपल टॉकिंग जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं लोग, ठीक है। रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन, फोन रिंग करना, जैसे फोन आता है तो रिंग होती है कि नहीं होती है उसमें। डोरबेल्स हो गई, रेडियोज हो गए, इन सबसे जो है आवाज़ें निकलती रहती है, और इन आवाज़ों को जो है क्या होता है हम लोग सुनते हैं। वेन वी टॉक आर लाफ वी मेक साउंड, जब हम बात करते हैं या हंसते हैं तो हम एक आवाज़ निकालते हैं। साउंड इज द वाइब्रेशन आर द रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। साउंड जो है वो एक तरह की वाइब्रेशन है, या अगर हम बोलें कि ये बार बार ऐसे करने वाली, रैपिड बैक मीन्स कि बार बार कंपन करने वाली चीज़ों को ही क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। जैसे कि आप सबके घर एक चिमटा तो हो गई, ठीक है। और चिमटे को अगर आप खट्टे से ऐसे मारो, देखो ऐसे ऐसे करके वो वाइब्रेट करेगा, तो जो ऐसे ऐसे करके हिलता है, रैपिड बैक इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो करता है तो उसे ही हम बोलते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के साथ कुछ भी निकलता है तो उसको हम बोलते हैं साउंड, ठीक। द सब्सटेंस कैन बी एयर, वाटर, वुड आर एनी अदर मटेरियल। मतलब ये सब्सटेंस या ये जो चीज़ें हैं ये कुछ भी हो सकती हैं, जैसे एयर, वाटर, वुड या कोई भी मटेरियल हो सकता है। व्हेन दीज सब्सटेंस वाइब्रेट दे प्रोड्यूस साउंड। जब ये सब चीज़ें वाइब्रेट करती हैं तो जो है साउंड निकलती है। आवर ईयर्स गैदर दीज वाइब्रेशंस एंड अलाउ अस टू हियर साउंड। और हमारे जो कान होते हैं इन वाइब्रेशंस को इकट्ठा करते हैं, और तभी जा करके हम जो है उन आवाज़ों को सुन पाते हैं। चिरपिंग बर्ड्स सॉन्ग्स एंड म्यूजिक आर सम प्लीजेंट साउंड। चिड़ियों का मतलब चिड़िया जो आवाज़ें निकालती हैं वो हो गया, सॉन्ग हो गए, म्यूजिक हो गया, है ना। ये सब आवाज़ें जो होती हैं वे प्लीजेंट साउंड होती हैं। मीन्स ये मतलब कि प्लीजेंट मीन्स खुशनुमा, अच्छी। और तो साउंड मीन्स आवाज़ें, मीन्स खुशनुमा आवाज़ या अच्छी आवाज़ें कहलाती हैं, प्लीजेंट साउंड कहलाती हैं। सच साउंड्स आर सूथिंग टू दी ईयर्स एंड वी इंजॉय देम। इस टाइप की आवाज़ें जो होती हैं वे हमारे कानों में अच्छी लगती है और हम इनको क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स एंड लाउड स्पीकर्स आर टू लाउड एंड अनप्लीजेंट। दे डिस्टर्ब अस एंड मेक अस फील इरिटेटेड। जैसे फायर क्रैकर की आवाज़ हो गई, हॉर्न्स हो गए, व्हीकल मतलब कि गाड़ियों की जो हॉर्न होती हैं उनकी आवाज़ें हो गई, लाउड स्पीकर हो गए, इन सब की जो तेज़ आवाज़ जो होती है ये बहुत ही अनप्लीजेंट होती है, मीन्स बिल्कुल हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है। दे डिस्टर्ब अस एंड मेक अस फील इरिटेटेड। ये हमें जो है डिस्टर्ब करती हैं, प्लस हमें इनकी वजह से जो है हम लोग कैसा फील करते हैं, इरिटेटिंग, मीन्स हम लोगों को गुस्सा आता है इन सब आवाज़ों से। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। जो तेज़ और अनप्लीजेंट मीन्स कि जो अच्छी ना लगने वाली जो आवाज़ें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। नॉइज़ डिस्टर्ब अस एंड इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। नॉइज़ जो होती है वो हमें डिस्टर्ब करती है और ये हमारे हेल्थ के लिए बैड होती है, बुरी होती है। वी कैन अवॉइड मेकिंग नॉइज़ इन द फॉलोइंग वेज। हम लोग जो है इन सब आवाज़ों को इस तरह से मतलब अवॉइड कर सकते हैं। बाय स्पीकिंग सॉफ्टली, अगर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे तो जो है इस टाइप की नॉइज़ नहीं निकलेगी, मतलब अनप्लीजेंट नहीं साउंड नहीं होगी। जैसे कि चिल्ला करके बात ना करना, चिल्ला करके बात ना करना, एकदम सॉफ्टली बात करना। बाय प्लेइंग म्यूजिक आर द टेलीविजन्स एट अ लो वॉल्यूम। प्लेइंग म्यूजिक बाय प्लेइंग म्यूजिक आर द टेलीविजन एट अ लो वॉल्यूम। मतलब कि गाने जो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं या टेलीविजन देखते हैं, अगर हम लोग उसको लो वॉल्यूम पे करके सुने तो उससे जो है नॉइज पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। मतलब कि अनप्लीजेंट साउंड्स नहीं निकलेंगी। बाय अवॉइडिंग द अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न्स वाइल ड्राइविंग स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, कार आर द अदर व्हीकल।
और जो है अननेसेसरी हॉर्न, जैसे कि कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं तो बिना मतलब के हॉर्न बजाते रहते हैं, तो जब तक नीड ना हो तब तक हम लोगों को हॉर्न नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है? अननेसेसरी मीन्स बिना मतलब का, नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स मीन्स क्या होता है? बल। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, बल। ठीक, फोर्स इज अ पुश आर पुल। फोर्स जो है एक तरह का, वो पुश मीन्स ठेलना, पुल मीन्स खींचना है, ठीक है? किसी भी चीज को ठेलना या खींचना एक तरह से क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स हेल्प्स अस टू डू मेनी थिंग्स। फोर्स जो है हम लोगों की बहुत तरीके से हेल्प करता है, बाय अप्लाइंग फोर्स। जैसे फोर्स अप्लाई करने पे जैसे क्या होता है, वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, जैसे शटल कॉक यहाँ पे देख रहे हैं, शटल कॉक अगर हम लोग हाथ में ले करके जब मारते हैं तो पहले तो वो एकदम मतलब कि स्टॉप पोजीशन में होता है, एक जगह रहता है। जब हम लोग उसको ठेलते हैं, कहीं भी फेंकते हैं जब, तो वो यहाँ से यहाँ दूसरे प्लेस पे हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग उसको क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं। नेक्स्ट है वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। प्लस जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बॉल क्रिकेट में होता है ना कि बॉल ऐसे करके आ रही होती है, ठीक है? तो अगर हम लोग उसमें पैर लगा देते हैं तो उसका मूवमेंट क्या हो जाता है? रुक जाता है ना? वो चलना क्या कर देती है? रोक देती है। नेक्स्ट है वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लस हम लोग जो है फोर्स से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रबर बैंड का शेप चेंज हुआ है, देख रहे हैं? पहले रबर बैंड हम लोग भी देखते हैं इतना छोटा सा रहता है, लेकिन हम लोग खींच करके उसको लंबा कर सकते हैं। इफ टू फोर्सेस ऑफ सेम साइज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस, दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट। अगर दो सेम साइज मतलब कि दो सेम फोर्स अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शंस लगाया जाए, मतलब कि अगर हम इस बुक को यहाँ से भी ठेले और इधर से भी पुश करेंगे, तो इस तरह से जो है दोनों फोर्स के जो इफेक्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं, ठीक? मतलब कि चीज जो मतलब कि जो थिंग है या जो भी चीज है वो क्या रहेगी? वहीं के वहीं रहती है। सच फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस एंड दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स ऐसे फोर्स से जो है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, और इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफ इट इज स्टिल इट विल स्टे स्टिल। अगर ये रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा। इफ इट इज मूविंग इट विल कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। अगर ये चल रहा है, मूविंग मीन्स चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा, और जिस डायरेक्शन में चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है, उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स डू चेंज द वे समथिंग इज मूविंग। वही जो है अनबैलेंस फोर्स मीन्स कि एक तरफ से अगर हम कोई चीज को फोर्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, ठेलते हैं, ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि वो चीज क्या करती है? मूव करने लगती है, ठीक? अनबैलेंस फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव। अनबैलेंस फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? मूव करा सकता है, स्पीड देम उनमें स्पीड डाल सकता है, मतलब कि उसकी स्पीड को तेज कर सकता है, स्लो देम डाउन उसकी स्पीड को धीमा कर सकता है, आर चेंज देयर डायरेक्शन। प्लस उसकी डायरेक्शन को भी वो चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, इस ट्रक में दोनों सेम डायरेक्शन से अगर हम लोग बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, ये ट्रक क्या है? वहीं की वहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए दूसरी तरफ जो ये क्या होगा, ये ट्रक मूव करेगा, ठीक है?